नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों के संबंध में। नई कविता का नामकरण प्रयोगशील कवि अज्ञेय की देन है। इस नाम को स्वीकार कर लेने के प्रमुख तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो प्रयोगवाद की बदनामी से रोकने का प्रयास है, क्योंकि अपने नकारात्मक मान्यताओं के कारण प्रयोगवाद प्राय बदनामी का शिकार हो गया और जीवनगत और काव्यगत मूल्यों के प्रति आस्था रखने वाले लोग प्रयोगवाद से अपने आप को दूर रखना लगे। नामकरण का दूसरा कारण परवर्ती कवियों से विषय वस्तु और शैली की भिन्नता हो सकता है। नई कविता के कवि न तो प्राचीन कवियों के समान अपने आप को किसी वर्ग विशेष अथवा किसी पक्ष विशेष से संबंध रखना चाहते थे, और नई प्रयोगवाद के गहन जड़ता, असंबद्धता, अनुभव खंडों की अभिव्यक्ति, भाव भाषा के नितांत व्यक्तिक प्रयोग और प्रयोगवाद के शिकार होकर के गहन करने वाले कवियों की पंगति में खड़ा होना चाहते थे। उन्होंने साधारण चरित्र की विशिष्टता कोई नहीं, साधारण जीवन को सार्थकता प्रदान करने का प्रयत्न किया। नई कविता के नामकरण का तीसरा कारण ये हो सकता है कि समसामायिक युगबोध वाली कविता की प्रवृत्ति विशेष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की इनकी इच्छा, जिससे दुनिया की दौड़ में वह किसी से पीछे नहीं रहे, ये कारण भी नामकरण का हो सकता है। 1950 के लगभग विदेशों में समसामायिक कविता को नई कविता कहने का प्रचलन जोरों पर चला। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने 1956 में विदेशों में नई कविता की रचना की। कविता के अतिरिक्त कुछ उपन्यासों का नाम भी इसी पद्धति के आधार पर पढ़ने लगा, जैसे नया आदमी शिव प्रसाद शर्मा की रचना है, जंजीरें और नया आदमी भैरव प्रसाद गुप्त की रचना है। नवीनता व्यंजक नामकरण के फैशन के कारण से नई कविता नाम रखना उचित लगा। सारांश रूप में कहा जाए कि प्रयोगवादी और नव स्वच्छंदतावादी मान्यताओं को समाहित करती हुई नई कविता अपने पथ पर अग्रसर हुई और प्रचार और प्रसार के व्यापक परिवेश को आत्मसात करते हुए चलने वाली कविता का नाम नई कविता प्रसिद्ध हुआ। नई कविता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से निर्मित हुई। इसके पूर्व छायावादी और प्रगतिवादी काव्य की प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न थी। रोमांटिक और आवेशयुक्त होकर अनायास स्वसंद प्रवाह के रूप में भावाभिव्यक्ति कवि लोग किया करते थे। नए मूल्य, नए अनुभूत, मानसिक प्रक्रियाओं को व्यक्त करने का काम और भावावेश से संयमित होकर ज्ञानात्मक संवेदन के रूप में प्रस्तुत करने का काम नई कविता में हुआ है। यही कारण है कि नई कविता का विन्यास गद्य भाषा से अधिक निकट है। यदि हम इसके स्वरूप पर विचार करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कविता अपने आप में चिरयौवना हुआ करती है, और काव्य की भाषा में यदि कहा जाए तो रमणी गौर नूतनता उसका अनिवार्य धर्म है। वह कदाचित केशव की चंचल वदना मृगनयनी के समान और सिद्ध कैसी अभिव्यंजना पद्धति से मुंह मरोड़, भुएं सिकोड़ और अभिलक्षणीय के प्रकाशनार्थ भंगिमापूर्वक अभिनव कृति और मोहक व्यक्तित्व की ओर मुड़कर अपने रम्य और अभिकाम्य रूप को तलाशती है। आदिकाल से लेकर इस काल तक की रचना का वर्तमान संदर्भों में विशिष्टता के लिए अपने आप को नया विशेषण चुना गया। वर्तमान जीवन की जटिलताएं और संघर्ष परायणता को उक्त विश्लेषण की सार्थकता पर मोड लगाने का मौका मिला। वर्तमान में नए जीवन का संघर्ष में जटिलता को उसने नव संस्कारमयी शब्दावली के माध्यम से जिस नए दृष्टिकोण से अभिव्यक्त किया है, उसे उसकी सापेक्ष नवीनता, स्वायत्तता और स्वतंत्रता अभिलक्षित होती है। संक्षिप्त में, सब संस्कार के प्रति सजग रहते हुए मानसिक जटिलताओं को काव्यमय दृष्टि से प्रस्तुत करना ही नई कविता है। शब्द संस्कार के प्रति सजगता और संकुल
मानव की मानसिक जटिलता, ये दोनों प्रवृत्तियाँ उसके नएपन की दो अनिवार्य गुण है। नई कविता के पूर्व परंपरा में सर्वथा विच्छिन्न और फटा हुआ नहीं मान सकते, ये तो एक कवितात्मक विकास का क्रमात्मक प्रतिफलन है। पृष्ठभूमि पर यदि हम विचार करें तो प्रयोगवाद के बाद में तीसरे तार सप्तक के प्रकाशन के बाद आधुनिक हिंदी साहित्य में कविता का एक नया रूप उभरा, जिसे साठोत्तरी हिंदी कविता या नई कविता के नाम से संज्ञा से अभिहित किया गया। इसके पूर्व इसे अकविता, न कविता, अस्वीकृत कविता, विद्रोही कविता, प्रसिद्ध कविता और पता नहीं समसामयिक कविता, बुकी पीढ़ी की कविता, पता नहीं कितने पड़ावों से गुजर करके यहाँ तक पहुँची है। किंतु आज नई कविता अस्पष्टता आदि के कुआसे को पार करके सर्वसम्मत रूप से नई कविता के रूप में पुकारी जाने लगी है। इसे आधुनिक जीवन का बोध, वर्तमान मूल्य की असंगतियाँ और उलझने, एक प्रौढ़ मानवतावादी स्वर जीवन के अजीबपन, अकेलापन, टूटन, झटकते हुए परिसंबंध, नवजीवन सौंदर्य, नवीन शिल्प सपाट बयानी आदि प्रवृत्तियाँ उभरी है। निष्कर्ष रूप में यदि हम ये कहें कि आज की नई कविता एक नई मनस्थिति के साथ, प्रतिबिंब के साथ उभरी है, वह एक नए रागात्मक संबंध का नया मूड है। मानव जाति और सृष्टि मात्र के संबंधों को प्रीपासर्व में मानव और मानव जाति के नए संबंध नई कविता की मूल विशिष्टता है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को हम इस प्रकार देख सकते हैं। नई कविता में मानव के दो पक्षों का चित्रण हुआ है, एक मानव का व्यक्तित्व का विकास और दूसरे उसकी मन की पहचान, उसकी राग विरागात्मक प्रवृत्तियों को समझना, और दूसरे रूप में मानव समष्टि का आग्रह है जिसमें उसके सामाजिक और आर्थिक संबंधों की चर्चा व्यापक परिपाशों में की गई है। आज का कवि आधुनिक हिंदी साहित्य में एक ऐसे मानव की स्थापना करना चाहता है जो समाज की कुरूपताओं, उसकी बुराइयों, उसकी रूढ़ियों, उसकी खोखली परंपराओं के प्रति विद्रोह कर उसमें स्वच्छ सामाजिक जीवन को तलाशने और उसके अनुरूप इतिहास निर्माण करने की चेष्टा रखता है। गिरिजा कुमार माथुर ने भोर का लैंडस्केप भावी उज्जवल मानवता की आशा की है। ये युग की अंधियारी रजनी मिटने को है। जन कवि का अग्र प्रकाश चरण अंकित हो रहा धरा के मेले आंचल पर, जिसमें मानवता छिपी धूप बंश होती है। अज्ञेय जी भी मानव के जन कल्याण, स्नेहपूर्ण गर्व को अभिव्यक्त करते हुए व्यक्ति के समष्टि हेतु समर्पित हो जाने के भाव से अभिव्यक्त करते हैं। दूसरा बिंदु, अनुभूति की सच्चाई और यथार्थवादी दृष्टि। उक्त दोनों वस्तुएं या उक्त दोनों बिंदुओं पर यदि विचार किया जाए तो ये कविता के मानव मूल्य हैं। अनुभूति की सच्चाई का संबंध रखना एक क्षण से हो या समूचे काल से, किसी सामान्य व्यक्ति से हो या किसी व्यक्ति विशेष से, आशा से हो या निराशा से, ये कविता में एक मूल्यवान है, एक मूल्य है। आज का अभिनव बुद्धिवाद आधुनिक कवि की यथार्थ दृष्टि में सम्मिलित है। यही कारण है कि मानव की चेतना की वह पहचान बनकर के उभरा है। अगले बिंदु के रूप में हम विचार करें क्षणवाद का चित्रण। ये कविता जीवन के एक क्षण को सत्य मानती है और सत्य को पूरी शक्ति के साथ भोगने का आग्रह करती है। क्षण बोध शाश्वत जीवन बोध का विरोध नहीं बल्कि उसे प्राप्त करने का यथार्थ प्रक्रिया है। क्षण में दिखाई पड़ने वाली या किसी जीवन सौंदर्यमय भाव में अनुस्यूत होने वाली जीवन व्यथा, जीवन का उल्लास, क्षण में दिख पड़ने वाली मनस्थिति या बाहरी व्यापार कोई छोटा सत्य नहीं होता। उसका जीवन और साहित्य में एक अपना मूल्य होता है। एक क्षण उसकी मार्मिक सत्यानुभूति जीवन की एक नवीन सार्थकता प्रदान करती है। अगले बिंदु के रूप में लोक संपर्क। द्वितीय महायुद्ध के बाद उत्पन्न भीषण परिस्थितियों के बीच आज का कवि उस व्यक्ति को चित्रित करता है जिसमें समाज की सारी प्रगतिशील शक्तियां केंद्रीभूत हो गई है। वह सामाजिक यथार्थ के प्रति जागरूक रहता है, उसकी दृष्टि भविष्य पर भी लगी हुई है। वह संघर्ष में कटुताओं के बीच लोक संपर्क बनाए रखना चाहता है। गिरिजा कुमार माथुर ने के शब्दों में यदि हम कहें तो आज की दुनिया में करोड़ों आदमी सह रहे हैं धूप, सर्दी और गर्मी। जिंदगी का एक ही साधन नहीं, जब तपती है धूप,
सावन ही। नई कविता किसी वाद विशेष में नहीं फंसना चाहती, वह आज जन विरोधी राजनीति को की तीव्र आलोचना करती है। नए कवि का विश्वास है कि आज की राजनीति के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में ब्रह्मा के समान व्याप्त है, आज कभी उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता। आज के नई कविता के लेखक प्राय मध्यम वर्गीय समाज से संबंध रखते हैं, अतः ऐसे कवियों की रचनाओं में पौर परिवेश है और कई जगह ग्राम परिवेश है और कई जगह लेखक सर्वत्र संपर्क बनाए हुए हैं। परंपरा का विरोध। नई कविताओं में पुरातन परंपराओं के प्रति एक विशेष भाव है। इस धारा के कवि उन्हें आज भी संघर्षपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के लिए अपर्याप्त समझता है। परिणाम यह है कि प्रस्तुत धारा में आज का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक परंपराओं से व्याप्त मानवीय जीवन के प्रति उदासीनता, निराशा और अविश्वास की भावनाएं अधिक उभरी है। आणविक युद्ध की विभीषिका आशंकाओं के नए कवि की चेतनाओं को कुंठित कर दिया है। परंपरा से दूर हट जाने के कारण से आधुनिक नवीन कवि स्वयं मोहग्रस्त है और उसके जीवन का कोई स्पष्ट मार्ग भी उसे दिखाई नहीं देता। इन दोनों दृष्टियों से देखा जाए तो कभी कभी उसने बुद्धिवाद के अतिरेक में कवित्व का गला घोंट दिया है, अर्थात उसमें रसात्मकता, भावपरवणता और अभिव्यक्ति सौंदर्य और माधुर्य आदि का अभाव इस कविता में हो गया है। अगले बिंदु पर विचार करें तो इसमें आधुनिकता के आग्रह को हम ले सकते हैं। नई कविता में आधुनिक युगबोध और आधुनिक सौंदर्य बोध की जोरों पर दुहाई दी जाती है। आधुनिकता कोई बुरी वस्तु तो नहीं है, लेकिन प्रत्येक युग के साहित्य में आधुनिकता पाई जाती है। आज का जीवन क्रम इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि उसमें आधुनिकता को समझने की चेष्टा करते हैं तो दूसरी आधुनिकता आ जाती है। आज के युग में स्थिति बड़ी विचित्र है, किंतु कुछ लोग जब आधुनिकता के नाम पर समसामायिकता और पुरातनता का विरोध करते हैं, इतिहास और ऐतिहासिकता से अलग करते हैं अपने आप को, उस समय आधुनिकता की व्याख्या बड़ी मजाक बन जाती है। इतिहास और ऐतिहासिकता की व्याख्या चाहे किसी तरह से की जाए, आधुनिकता इस ऐतिहासिकता कड़ी से टूटी हुई नहीं दिखाई देती। नई कविता और रस। आलोचकों का ये दोष है या आलोचक लोग ये दोष लगाते हैं कि नई कविता में रस नहीं होता, उसमें साधारणीकरण की मात्रा भी नहीं होती, किंतु यह आरोप सर्वथा सत्य नहीं है। अच्छी और समर्थ नई कविता में भरपूर मात्रा में होती है। हाँ, वह गद्य के जरूर निकट होती है, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश की एक बानगी आप देखिए। जी हाँ, हजूर में गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, सभी किस्म के गीत बेचता हूँ, यानी इस माहौल में हर चीज़ बिकाऊ है। इस कविता में नाटकीयता के साथ साथ रस का सुंदर उद्रेक है। नई कविता में एक और विशेषता है कि बहुत थोड़े से संस्कार में शब्दों में चमत्कार खोज निकलता है। नरेंद्र शर्मा का ट्वीट का कोट एक इसका ज्वलंत उदाहरण है। इस प्रकार प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर और रघुवीर साय आदि की रचनाओं में ये नाटकीयता देखी जा सकती है। नागार्जुन का प्रेत का बयान में करुण वेदना, तीव्र व्यंजात्मकता, नाटकीयता और नाच सौंदर्य और लयात्मकता के साथ यदि उसको देखा जाए तो ऐसी और कहीं मिलना मुश्किल है। कभी भी प्रकृति के माध्यम से चित्रण के नए कवि की तलखी का स्वरूप उभरता है तो प्रातःकाल का वर्णन करते हुए कवि की त्वचा मलयाबिल के स्पर्श अनुभव नहीं करती। जब वह यज्ञ धूप और सुगंधमय उसकी नासापुट को तरंगित करती है और नहीं उसके खगों का कदरव उसके कानों को झृंकृत करता है। इस प्रकार इसमें रसों का समुचित प्रयोग किया गया है। नई कविता हाँ गद्य के जरूर निकट है, लेकिन यदि उसका भाव और उस रस के साथ प्रस्तुत की जाए तो अच्छी कविता भी प्रस्तुत की जा सकती है या प्रस्तुत हुई है। कला पक्ष और शिल्प विधान पर यदि हम विचार करें तो नई कविता में प्रतीक और बिंब विधान को तो छोड़कर सम्राट बयानी पर अधिक बल दिया गया है। आज का कवि समस्त शासन और व्यवस्था और तंत्र को तोड़ने के साथ
भाषा तंत्र को भी तोड़ना चाहता है। नई भाषा अनुभव के निकट होती है, वह सपाट, खुरदरी और कड़ी भी हो सकती है। उसकी अभिव्यक्ति बेलोस और निर्मम है, उसका संकोच में कोई झिझक नहीं है। वो सपाट बहने के साथ सब चीज़ें प्रस्तुत करता है। नया कवि जीवन के व्यापक विस्तृत क्षेत्र को घूम घूम के गहराई के साथ उतारता है। अनुभूति की वास्तविकता के साथ संस्कारमय शब्दावली में अभिव्यक्ति का साथ रखता है। नए कवि का आग्रह उल्लास भाव और पराजय का वर्णन और आत्मरति का आरोप मिथ्या है, उसमें एक प्रबल जिजीविषा है। इस प्रकार नई कविता लोकभाषा नवीन शब्दों, लोक जीवन के नवीन प्रतीकों, उपमानों और छंदों का प्रयोग इसमें हुआ है। नवीन भावों के लिए नवीन भाषा अपेक्षित होती, इसी कारण से अभी उसमें स्पष्टता और अस्पष्टता दोनों का मिश्रण है। सामान्यतः नई कविता की भाषा सरल, छोटे वाक्यों, सुबोध और प्रचलित शब्दों और अंग्रेजी के शब्दों, मुहावरों, कहावतों के साथ परिपूर्ण हो सकती है। अंग्रेजी के शब्दों का भी उसमें काफ़ी प्रयोग मिलता है। भाषा भाव और संगीतात्मकता की दृष्टि से भी नए कवियों में लोकगीतों का प्रभाव को स्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा यदि हम नई कविता की सीमाओं पर विचार करें तो नई कविता के नाम पर आज ढेरों कविताएं लिखी जा रही है, जिसमें बहुधा अपरिपक्व जीवन दृष्टि और अकुशल हाथों में भोंडापन देखा जा सकता है। कुछ कवियों की रचनाएं निरुद्देश्य और मानसिक विकास का प्रकटीकरण मात्र है। परिणाम ये होता है कि अनर्गलता से परिपूर्ण हो गई है। इन रचनाओं में बौद्धिकता का अतिरेक, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद आदि का अधकचरा प्रभाव और अतिशय व्यक्तिवाद और कभी कभी अतिशय न्यूरोसिज के फलस्वरूप उत्पन्न भावों और प्रतीकों की दूरता होने के कारण से दुर्बोध बनती जा रही है। संक्षेप में नई कविता नई काव्य अनुभूति, नवीन सौंदर्य और नए संवेदन की कविता है। इसमें रोमांटिक भावुकता के स्थान पर यथार्थ परक बौद्धिकता, संयम, सुरुचि और संतुलन है। भद्रता के स्थान पर सच्चाई, साहस और खरापन है। मृषण और कोमल कृतता के स्थान पर परस और अनगढ़ की स्वीकृति है। समझौता और स्थितिवाद के स्थान पर अनास्था और मूल्यहीनता के स्वर हैं। अलंकृत भाषा के स्थान पर बेलोस, सपाट बयानी, आक्रोश, क्षोभ और उत्तेजना, छटपटाट आदि की भाषा है, किंतु यथार्थ नाम पर उश्रृंखलता, सच्चाई, सास के नाम पर आक्रामकता, नग्नता और विद्रोह के नाम पर बड़बोलापन, यौन विकृतियों का प्रदर्शन और सपाट बयान के स्थान पर सतही बयानबाजी और तनाव के स्थान पर अति नाटकीयता मुद्रा जैसी कमियां भी आ जाना स्वाभाविक है। यदि नई कविता के भविष्य पर हम विचार करें तो नई कविता निसंदेह कुछ स्वच्छ दृष्टिकोण और आधुनिक कवियों की अत्यंत सुंदर रचनाएं हैं, जिसमें सब कुछ है जीवन के लिए। रचनाओं की शैली और भाव दोनों सुंदर हैं। कवियों की नई कविता अवांछित रूढ़ियों और राजनीति का विरोध है। इसमें नवीन उद्भावनों और प्रशस्त सौंदर्य का समन्वित विकास है। इनकी रचनाओं में सौंदर्य अनुभूति, सरसता और सीधी भाषा, हृदय की ईमानदारी और निश्चल आत्मअभिव्यक्ति इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। नई कविता पर हम यदि विचार करें कि आज के कवि को समझने के लिए भविष्य अति आशापूर्ण है। आज का स्वस्थ नया कवि व्यापक सत्य की अभिव्यंजना करने की चेष्टा करता है। वह सामाजिक यथार्थ के प्रति जागरूक है, किंतु वह सब कुछ होते हुए भी नई कविता साधारणीकरण का होना आवश्यक है, अन्यथा वह व्यक्ति कुंठाग्रस्त बौद्धिक ताकि शैली बनकर के रह जाएगी। उसमें बौद्धिकता कवि की अनुभूतियों के अनुरूप आत्मसात होकर अभिव्यक्त होनी चाहिए। संवेदनशीलता और उसका अनिवार्य गुण हो रहना चाहिए। इसी रूप में भविष्य की अनंत संभावनाएं इसमें खोजी जा सकती है। आज इतना ही। धन्यवाद।